Good morning, today is 8th of November 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से articles आज हम discuss करने जा रहे हैं. पहले article में हम चर्चा करेंगे गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में जो स्टेप्स लिए हैं जैसे डिमोनेटाइजेशन या फिर जीएसटी, उससे ना सिर्फ इकोनॉमी डिसरप्ट हुई बल्कि भारतीय कंपनीज की परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ा, उनके मुनाफे में कमी आई. हमने देखा 2017-18 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके पहले क्वार्टर में जो ग्रोथ रेट रजिस्टर की गई वो 5.7%, लेकिन अब दूसरे क्वार्टर में अच्छी खबर देखने को मिल रही है. भारतीय कंपनीज अब अपने इस क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर करने लगी हैं और उनका प्रॉफिट अब आशा अनुरूप आने लगा है, जो कि एक अच्छी खबर है भारतीय इकोनॉमी के लिए. डिस्कस करेंगे हम इस आर्टिकल को. नीचे का आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे यूएनएफसीसी यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज की 23rd कॉन्फ्रेंस बोन जर्मनी में होगी. उम्मीद की जा रही है इस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, उनको प्रेरित किया जाएगा कि वो पेरिस क्लाइमेट चेंज के एग्रीमेंट को धरातल पर इंप्लीमेंट करें. इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद बीच में ये आर्टिकल, गुजरात में अगले महीने इलेक्शन होने जा रहे हैं तो क्या संभावनाएं, क्या पॉसिबिलिटीज इमर्ज होके आ रही हैं वहां पे, उससे संबंधित ये आर्टिकल है. पॉलिटिक्स से संबंधित आर्टिकल नहीं डिस्कस करेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ये आर्टिकल डिमोनेटाइजेशन से संबंधित है. देखो, जो ये इश्यूज होते हैं जैसे डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, आधार, रोहिंग्याज, बार बार आते रहते हैं ये इश्यूज. तो देखो, एक बार अगर सफिशिएंट नॉलेज आपने गेन कर ली है इन इश्यूज के बारे में तो डेली जो छोटी छोटी खबरें आती हैं उनको फॉलोअप करना जरूरी नहीं है. लेकिन अब एक साल पूरा हो गया है डिमोनेटाइजेशन को, नोटबंदी को, तो एनालाइज किया जा रहा है क्या नोटबंदी से फायदा हुआ, नुकसान हुआ. देखो, हमेशा की तरह गवर्नमेंट ये कहती है कि नोटबंदी से काफी फायदा हुआ, इकोनॉमी जो है वो फॉर्मलाइज हो गई, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं अब बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, ब्लैक जो मनी है वो कर्व हुई है कुछ हद तक, इवन जो नक्सलियों के लिए फंडिंग है या फिर आतंकवादियों के लिए जो फंडिंग है उसमें भी कमी आई है. दूसरी तरफ जो राइटर हैं वो कहती हैं कि नोटबंदी से फ़ायदा नहीं, नुकसान हुआ है. जो पहले गवर्नर थे आरबीआई के रघुराम राजन या फिर डिप्टी गवर्नर थे आर गांधी, उन्होंने हमेशा कहा है कि नोटबंदी के अलावा दूसरे सुपीरियर मेजर्स भी अवेलेबल थे गवर्नमेंट के पास में, जिसकी सहायता से वो ब्लैक मनी को कर सकते थे. इवन जो पैसा सर्कुलेशन में था उसका 99% पैसा बैंक्स के पास में वापस आ गया. इस बात पे सरकार का कहना है कि जितना पैसा बैंक्स में जमा कराया गया था नोटबंदी के बाद में, वो सारा पैसा व्हाइट मनी नहीं है, उसमें से कुछ ब्लैक मनी भी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पैसे की जाँच कर रहा है. लेकिन राइटर कहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा इतने बड़े लेवल पर जो डिपोजिट हुए हैं उनकी जाँच करना और ये पता लगाना कि कौन सा ब्लैक मनी है. अगर कुछ ब्लैक मनी का पता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा भी लेता है तो फिर बाद में वो जो केसेस हैं वो कोर्ट्स के पास में जाएंगे और उनका निपटारा होने में बहुत लंबा समय लग जाएगा. नोटबंदी से जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि कैश से चलते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसकी वजह से उनके कुछ जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो बंद भी हो गई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी आई. यानी कुछ हमने फायदे डिस्कस किए और कुछ नुकसान डिस्कस किए डिमोनेटाइजेशन के. तो ये आर्टिकल आप मत पढ़िएगा, वही पॉइंट्स जो हम बार बार डिस्कस करते हैं वही पॉइंट्स हैं. उसके बाद दूसरे पेज में इंटरव्यू है आज ट्यूनिशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत की यात्रा पर आए हैं, तो कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे हमें इस इंटरव्यू से, तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे. उसके अलावा नीचे ये दो जो आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे. लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, वुमन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स, और इंडियन एक्सप्रेस का कल एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था सीराजा मोहन का, कॉमनवेल्थ ग्रुप पे वो आर्टिकल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे. चलिए शुरुआत करते हैं. पहला आर्टिकल, भारतीय कंपनीज के करंट फाइनेंशियल ईयर यानी जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2017-18, इसके सेकेंड क्वार्टर के नतीजों से संबंधित है. आपको याद होगा इस फाइनेंशियल ईयर के जब पहले क्वार्टर के नतीजे घोषित किए थे भारतीय कंपनीज ने तो काफ़ी निराशा हाथ लगी थी, क्योंकि जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन के कारण प्रोडक्शन ठप पड़ गया था, तो इसलिए काफ़ी सारे लॉसेस हुए थे. और जो ग्रोथ रेट रजिस्टर की गई थी पहले क्वार्टर में यानी अप्रैल, मई, जून वाले क्वार्टर में ग्रोथ रेट थी सिर्फ 5.7%, लेकिन दूसरा क्वार्टर जो कि है जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस क्वार्टर के लिए अब जब कई सारी भारतीय कंपनीज ने अपने नतीजे घोषित किए हैं तो वो नतीजे आशा के अनुरूप हैं, प्रॉफिट देखने को मिल रहा है. तो ग्रोथ रेट जो पहले 5.7% थी उससे पहले वाले क्वार्टर में वो ग्रोथ रेट भी अब बढ़ सकती है, और ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे थे कि जो नोटबंदी है या फिर जीएसटी है उसका भारतीय इकोनॉमी पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा और भारतीय कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है वो लॉन्ग टर्म तक प्रभावित होगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अगले ही क्वार्टर में प्रॉफिट देखने को मिला काफ़ी सारी भारतीय कंपनीज को. और जो फिलहाल शेयर मार्केट भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और हर एक हफ्ते एक नई ऊंचाइयाँ छू रही है, जो भी काफ़ी अच्छी बात है. वैसे तो देखो शेयर मार्केट जो है काफ़ी सारे फैक्टर्स पर काम करती है, लेकिन एक फैक्टर ये भी होता है कि
उस देश की शेयर मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म करती है। आमतौर पे अगर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि FII हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनको ये लगता है कि इस देश की इकोनॉमी आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, तो शेयर मार्केट बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये लगता है कि भारत की इकोनॉमी जो है आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, इसीलिए शेयर मार्केट जो है वो नई ऊंचाइयां छू रहा है हर एक हफ्ते। आगे राइटर कहते हैं कि ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी भी चिंताजनक हैं। जैसे भारतीय कंपनीज को करंट फाइनेंशियल ईयर के दूसरे क्वार्टर में आशा अनुरूप यानी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार प्रॉफिट हुआ, उसका एक कारण यह भी है क्योंकि भारतीय कंपनीज को पता था कि GST और डीमोनेटाइजेशन के कारण इस बार प्रॉफिट सेकंड क्वार्टर में काफी कम होगा, इसलिए उनकी एक्सपेक्टेशंस ही काफी कम थी और इसीलिए एक्सपेक्टेशंस के अनुसार उनका मुनाफा हुआ। लेकिन अभी भी माइक्रो फाइनेंस या फिर हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अपने पुराने परफॉर्मेंस लेवल पे नहीं पहुंच पाई हैं, यानी जो परफॉर्मेंस इन कंपनीज की थी माइक्रो फाइनेंस या फिर हाउसिंग कंपनीज की नोटबंदी से पहले, उस परफॉर्मेंस को ये अभी तक अचीव नहीं कर पाई हैं। यानी पहले बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा लोन दिया जा रहा था इन कंपनीज के द्वारा, लेकिन अब बहुत कम लोग लोन ले रहे हैं। जब तक कि पुरानी परफॉर्मेंस को अचीव नहीं किया जाएगा इन कंपनीज के द्वारा, डिमांड नहीं आएगी इकोनॉमी में। जब तक डिमांड नहीं आएगी ग्रोथ रेट को प्रमोट नहीं किया जा सकता, ग्रोथ रेट एक्सेलरेट नहीं होगी। तो ये कुछ बातें हैं जो चिंताजनक हैं। फिर आगे लास्ट में आर्टिकल कहता है कि सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम लिए गए हैं, जैसे कि रिकैपिटलाइजेशन। सरकार ने कहा कि बैंक्स में नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए 2,11,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए जाएंगे बैंक्स में, जो कि काफी अच्छी बात है, लेकिन समय लगेगा। धरातल पे ये जो स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो मेटरलाइज काफी लंबे समय के बाद होंगे, लेकिन अभी जो कॉरपोरेट ग्रुप्स का जो ये मुनाफा है, क्या ये लंबे समय तक सस्टेन रह पाएगा या फिर नहीं रह पाएगा, ये हमें देखना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल था। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल UNFCCC, पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के 23rd कॉन्फ्रेंस से संबंधित है। ये कॉन्फ्रेंस फिजी की अध्यक्षता में होगी और होगी कहां पर, बोन, जो कि जर्मनी में है। लोकेशन एक बार मैप में हम देख लेते हैं। फिजी, जिसकी अध्यक्षता में ये UNFCCC की 23rd कॉन्फ्रेंस होगी, वो एक स्मॉल आइलैंड कंट्री है साउथ पैसिफिक ओशन में, न्यूजीलैंड के पास। और जर्मनी की लोकेशन यूरोप में यहाँ पर है। ये जर्मनी, ये फ्रांस है, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, और ये दो कंट्रीज बताइए आप कौन से हैं। ये है बेल्जियम और ये नीदरलैंड है। ये बेल्जियम। तो देखो, आर्टिकल कहता है कि 23rd कॉन्फ्रेंस में इस बात पे फोकस होगा कि डिफरेंट कंट्रीज के लीडर्स को प्रेरित किया जा सके कि वो पेरिस क्लाइमेट चेंज के समझौते को इंप्लीमेंट करें इफेक्टिव रूप से, और ग्रीन गैस हाउस एमिशंस जो हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, उसको कम किया जाए। और लेकिन चिंताजनक बात यह है कि US ने हाल में, ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की थी कि वो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से बाहर आ गए हैं, यानी उसको वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो डोमिनो इफेक्ट कहीं ना हो जाए इसका, यानी दूसरे देश भी US को देखते हुए भी ये घोषणा ना कर दें कि हम भी पेरिस क्लाइमेट चेंज के समझौते को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। और इवन ट्रंप प्रशासन ने तो ऐसा करना स्टार्ट भी कर दिया है। बराक ओबामा, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं USA के, उन्होंने कोशिश की थी कि कोयले की जो माइनिंग है, कोल माइनिंग है, उसे कम किया जाए ताकि ग्रीन गैस हाउस एमिशंस को कम किया जा सके, लेकिन उसको रिवर्स कर दिया है ट्रंप प्रशासन ने, यानी कोल माइनिंग फिर से बड़े लेवल पे होने लगी है। उसके बाद में देखो बात आती है, वैसे तो पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा फोकस देखने को मिला है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे, जैसे कि सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, और टेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है कि डेवलप कंट्रीज ने जो वादा किया था कि 2020 तक हर एक साल $100 बिलियन की मदद दी जाएगी डेवलप कंट्रीज के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज अपने आप को तैयार कर सकें क्लाइमेट चेंज से जो बुरे प्रभाव हो रहे हैं उससे, और इवन जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उसको कम करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। देखो, आजकल जो ग्रीन गैस हाउस गैस एमिशंस है वो बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसकी वजह से इरेगुलर वेदर फेनोमेनन, जैसे आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं, बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इरेगुलर मानसून, सूखा आता है तो बहुत ज़्यादा सूखा आता है, तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो बदलते हुए क्लाइमेट चेंज से हो रही हैं। और इवन जो छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, जैसे कि फिजी, जिसकी अध्यक्षता में ये कॉन्फ्रेंस होगी, उनको सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि देखो अगर ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो समुद्र में पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, और खतरा पैदा हो जाता है इन छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज पे, ये आइलैंड्स डूब जाएंगे। प्रॉब्लम और भी ज्यादा तब बढ़ जाती है क्योंकि देखो रिसेंट एमिशंस गैप रिपोर्ट ने ये कहा कि US समेत अगर सभी कंट्रीज अपने पेरिस क्लाइमेट चेंज के टारगेट को ठीक से निभाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो भी जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाएगा, जबकि US ने तो अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, वो तैयार नहीं है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने में। अब कुछ इंडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं।
देखो इंडिया ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए, और हमारा जो टारगेट है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अंतर्गत, हमने कहा था कि 2005 में जितना हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहा था उसका 33-35% हम कम कर देंगे 2030 तक। और जो फंडिंग आती है डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंडिंग दी जाती है उसका मेजर हिस्सा इंडिया को मिलता है। 2013 तक इंडिया को $745 मिलियन हासिल हुए, लेकिन फिर भी इंडिया को कैपेसिटी डेवलप करनी होगी डिफरेंट स्टेट्स की ताकि वो इस फंड को एब्जॉर्ब भी कर सकें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए। और इसके अलावा बिल्डिंग्स में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी गवर्नमेंट को नई नई टेक्नोलॉजीज पे बल देना होगा, ग्रीन टेक्नोलॉजीज पे। तो ये पूरा आर्टिकल था। देखो अभी तो ये कॉन्फ्रेंस होगी, बोन कॉन्फ्रेंस, क्या नतीजे आते हैं इस कॉन्फ्रेंस के वो हमें देखने होंगे। लेकिन इंडिया से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, आपको एनालाइज करना है कि क्लाइमेट चेंज का क्या फर्क होगा इंडियन इकोनॉमी पे। तो इकोनॉमी से संबंधित ये आर्टिकल है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इंडियन इकोनॉमी पे उसका क्या असर होगा, आपको ये एनालाइज करना है। और आपको कुछ मेजर्स भी बताने हैं जो कि गवर्नमेंट को लेने चाहिए ताकि क्लाइमेट चेंज का जो ये इम्पैक्ट है उसको कम से कम किया जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगले आर्टिकल की तरफ अब हम चलते हैं। अगला आर्टिकल जेंडर डिस्पैरिटी से संबंधित है, बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में कुछ आंकड़े दिए जाते हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार हमारे देश में एग्रीकल्चर लेबर यानी खेतों में जो मजदूर काम करते हैं उनमें से 40% महिलाएं हैं, वुमेन हैं, और 23 स्टेट में ये संख्या 50% को क्रॉस कर जाती है। आगे एग्जांपल दिया जाता है तीन स्टेट्स का, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश। इन तीन स्टेट्स में खेतों में जो मजदूर काम करते हैं उनमें से 70% महिलाएं हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से डिस्पैरिटीज़ का सामना करना पड़ता है एग्रीकल्चर लेबर्स को। और ये डिस्पैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं नागालैंड, नहीं कम हैं काफ़ी नागालैंड, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश में, लेकिन ये डिस्पैरिटीज़, ये डिस्क्रिमिनेशन एग्रीकल्चर वुमेन लेबर के साथ काफ़ी ज़्यादा है पंजाब, हरियाणा, केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में। किस तरह से वुमेन एग्रीकल्चर लेबर को डिस्क्रिमिनेशन का यानी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उनको तंखा काफ़ी कम दी जाती है मैन के अपेक्षाकृत, और जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप में उनका रोल नहीं रहता यानी उनके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होती वुमेन एग्रीकल्चर लेबर के नाम पे, और सस्ते दामों में, सस्ते ब्याज दरों पर क्रेडिट भी नहीं मिल पाता, लोन नहीं मिल पाता वुमेन एग्रीकल्चर लेबर्स को। और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग में रोल काफ़ी कम रहता है, साइकोलॉजिकल और फिजिकल एब्यूज़ का भी सामना करना पड़ता है। तो ये तमाम तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है वुमेन एग्रीकल्चर लेबर्स को। अब हम ये डिस्कस करेंगे सरकार के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इस डिस्क्रिमिनेशन को या फिर डिस्पैरिटीज़ को कम करने के लिए। सबसे पहले बात आती है इन्फॉर्मेशन की। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक वेबसाइट बनाई गई है यानी जनरल नॉलेज सिस्टम पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पे जेंडर फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी यानी वुमेन इन जेंडर फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज की सहायता से एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकती हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। 680 यानी 680 जो कृषि विज्ञान केंद्रास हैं यहाँ पे वुमेन को प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग दी जा रही है जो वुमेन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज हैं उनकी, जैसे रूरल हैंडीक्राफ्ट या फिर टेलरिंग, इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है वुमेन को ताकि वो एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकें। और लास्ट में मेजर्स की बात आती है तो और भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं एग्रीकल्चर लेबर के वेलफेयर के लिए, जैसे कि प्रेरित किया जा रहा है कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड को लीज पे दिया जाता है वो जॉइंट नेम्स पे लीज पे दिया जाए यानी वुमन का नाम भी हो उसमें मैन के अलावा, या फिर इसके अलावा जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं वो भी इश्यू किए जा रहे हैं वुमन के नाम पे ताकि उनको इनेबल किया जा सके वो भी सस्ती ब्याज दरों पे लोन हासिल कर सकें। इसके अलावा वुमन को भी एंकरेज किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएं और माइक्रो फाइनेंस के सुविधा के अंतर्गत जो लोन हासिल कर सकें आसानी से। लेकिन देखो ये सारे जो स्टेप्स हैं वो टारगेटेड होने चाहिए और इफेक्टिव रूप से काम भी करने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमन है इस तरह के स्टेप्स का फ़ायदा उठा सकें। तो ये पूरा आर्टिकल था। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस से संबंधित है। 52 मेंबर्स हैं इस ग्रुप के और इंडिया फाउंडिंग मेंबर था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का, और इसमें वो कंट्रीज शामिल हैं जो कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रहे हैं, लेकिन अब कुछ देश ऐसे भी हैं जो ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं थे लेकिन अब शामिल है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ग्रुप में। देखो जब इंडिया ने ज्वाइन किया था इस ग्रुप को तब काफ़ी लोगों ने विरोध किया था नेहरू का और कहा था कि हमें ब्रिटेन ने हम पे इतने सालों तक राज किया और फिर से हम ब्रिटेन के द्वारा बनाए गए एक ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। तो उस समय नेहरू की सोच ये थी कि इंग्लैंड के एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है, और उस समय कोल्ड वार भी चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तो बैलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए नेहरू ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया ने इस ग्रुप को तवज्जो नहीं दी है, इवन जो सेशंस हुए हैं उनको भी अटेंड इंडिया ने नहीं किया था।
लेकिन अब आर्टिकल कहता है, सी राजा मोहन कहते हैं कि अब ये इंडिया के इंटरेस्ट में है, ना सिर्फ इंडिया के इंटरेस्ट में है बल्कि ब्रिटेन के इंटरेस्ट में भी है फिर से इस ग्रुप को रिवाइव किया जाए। इंडिया के इंटरेस्ट में इसलिए है क्योंकि देखो इस ग्रुप की सहायता से इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो रिलेशंस है उनको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, और ये ग्रुप इंडिया को एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज शामिल हैं इस ग्रुप में डिफरेंट कॉन्टिनेंट से, तो उन कंट्रीज को लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है इंडिया ब्रिटेन के साथ मिलकर। और ब्रिटेन को कैसे फायदा है, ब्रिटेन को देखो ऐसे फायदा है, ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन जो है अब यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया है, तो यूरोपियन यूनियन से बाहर आने के बाद ब्रिटेन को चाहिए अब दूसरे प्लेटफॉर्म्स, उन प्लेटफॉर्म्स की सहायता से ब्रिटेन ताकि दूसरे देशों के साथ अपने जो संबंध हैं उनको स्ट्रेंथन कर सके। इसलिए दोनों देश मिलकर लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं इस कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ग्रुप को, और काफी क्षेत्रों में ये ग्रुप काम कर सकता है जैसे सिक्योरिटी, टेररिज्म या फिर ट्रेड, उन सभी मुद्दों पे ये ग्रुप अच्छे से काम कर सकता है। तो अब एक अच्छा मौका है, जो प्रिंस चार्ल्स हैं वो अब भारत की यात्रा पर आ रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट करने, ताकि अगले साल अप्रैल में लंदन में 2018 में अप्रैल में जब ये सेशन होगा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का, तो उस नेशंस में पार्टिसिपेशन के लिए प्रिंस चार्ल्स अब इंडिया में आ रहे हैं मोदी को इनवाइट करने। तो एक अच्छा मौका है, फिर से इस ग्रुप को रिवाइव किया जा सकता है और काफी कुछ फायदा हो सकता है इससे, दोनों कंट्रीज को लीडरशिप प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल था। क्वेश्चन भी अब देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कैन री इन्फोर्स इंडियाज एक्सपेंडिंग इंटरनेशनल फुटप्रिंट। इंडिया के जो अब इंटरनेशनल फुटप्रिंट लगातार बढ़ रहे हैं, यानी इंडिया की जो एस्पायरेशंस हैं ग्लोबल लीडर के तौर पर रोल निभाने की, उसके लिए कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है इंडिया को। लेकिन कुछ क्रिटिक्स इसे डिसमिस करते हैं, वो कहते हैं कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो ये ग्रुप है वो पास्ट का एक प्रोडक्ट है, फिलहाल इसे यूज में नहीं लाया जा सकता। तो इस बात पर आपको कॉमेंट करना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम जो है हमारे इंडिया में इफेक्टिव रूप से गवर्नेंस के लिए काम नहीं कर सका है, तो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है स्टेटमेंट को और अपने व्यूज भी देने हैं किस प्रकार से सिचुएशन इंप्रूव की जा सकती है। अब देखो आज का जो कोट है वो गांधी की एक स्टेटमेंट से संबंधित है। गांधी ने कहा था कि किस प्रकार की सरकार वो देखना चाहते हैं इंडिया में। गांधी ने कहा था कि पिरामिड के फॉर्म में जो सरकार है उसको वो नहीं देखना चाहते, क्योंकि पिरामिड के फॉर्म में जो सरकार का सिस्टम होता है वो हायरार्किकल होता है, एक बंदे के पास में पावर ज्यादा होती है, उसके बाद में जो पावर है वो कम होती जाती है, यानी पावर काफी ज्यादा सेंट्रलाइज होती है। गांधी चाहते थे ओशियनिक सिस्टम, यानी मान लीजिए ये ओशियन है, ओशियन में अगर आप कोई पत्थर मारोगे तो वेव जाएंगे इस तरह से, यानी एक पर्सन दूसरे को पावर देगा, ये इसको पावर देगा, ये इसको, फिर आगे वो उसको पावर देगा, इस तरह का सिस्टम गांधी चाहते थे ताकि जो इनइक्वालिटीज हैं वो ना हो और इक्वालिटीज हैं वो सबसे ज्यादा हो, एक इंडिविजुअल सिटीजन के पास में पावर बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज ना हो, ओशियनिक पावर का जो कंसेप्ट था गांधी जी का। आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा हो तो विलेज रिपब्लिक का कंसेप्ट गांधी जी ने दिया था कि हर एक जो विलेज है वो है अपने आप में सेल्फ सफिशियंट होना चाहिए, उसके लिए कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात भी गांधी जी ने कही थी। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है आप यूज कर सकते हो गवर्नेंस के क्षेत्र में कहीं भी। अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल देखो, ट्यूनिशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत की यात्रा पर आए हैं, तो उनसे इंटरव्यू है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले लोकेशन हम देखते हैं ट्यूनिशिया की। अफ्रीका में आता है ट्यूनिशिया, छोटा सा कंट्री है, यहाँ पे स्प्रिंग रेवोल्यूशन आया था, यहाँ पे 2011 में बेन अली थे वहाँ के शासक, जनता ने विरोध किया, वो भाग गए थे और नई सत्ता स्थापित हुई थी। ये लीबिया है, लीबिया साथ लगता है, लीबिया में भी गद्दाफी आपको याद हो तो रूल कर रहे थे, नाटो ने हमला किया लीबिया में और गद्दाफी को सत्ता से हटा दिया था, गद्दाफी को मार दिया था। तो अब देखो आर्टिकल में बात आती है किस प्रकार से इंडिया और ट्यूनिशिया कोऑपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है रेडिकलिज्म की और एक्सट्रीमिज्म की। तो जो ट्यूनिशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि देखो टेररिज्म यानी आतंकवाद जो है वो एक कंट्री से संबंधित नहीं है, एक रिलीजन से संबंधित नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है टेररिज्म की, ये एक इंटरनेशनल फेनोमेनन है। अब इंडिया और ट्यूनिशिया की आप बात कर लीजिए, जो सोर्सेज हैं टेररिज्म के वो अलग अलग हैं लेकिन जो कंसिक्वेंसेज हैं वो सेम हैं, इसलिए दोनों कंट्रीज कोऑपरेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज मिलकर काम कर सकती हैं ताकि टेररिज्म को कब किया जा सके। उसके बाद इनसे पूछा जाता है कि देखो ट्यूनिशिया से बहुत सारे जो लोग हैं जो यूथ हैं उन्होंने ISIS को ज्वाइन किया है, तो आपका इस बात पे क्या कहना है। ये कहते हैं कि देखो जो आंकड़े हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि ट्यूनिशिया से काफ़ी यूथ ने ISIS को ज्वाइन किया है लेकिन संख्या कम है, और क्यों किया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कुछ रेडिकल पॉलिटिकल पार्टीज,
ये कहते हैं कि जब 2011 में स्प्रिंग रेवोल्यूशन आया था ट्यूनिशिया में, उसके बाद कुछ रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई और उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया ट्यूनिशिया में जिससे जो यूथ हैं वो एक प्रकार से प्रेरित हुए, एंकरेज हुए आईएसआईएस को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अब माहौल बदल चुका है, अब लीबिया में जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खराब हो गई है। लीबिया के साथ बॉर्डर लगता है ट्यूनिशिया का। तो ये कहते हैं कि देखो अब लीबिया में दो तीन पार्टीज हैं, कोई एक सेंट्रल सरकार नहीं है, दो तीन जो पार्टीज हैं वो आपस में दो तीन ग्रुप्स लड़ रहे हैं सत्ता स्थापित करने के लिए लीबिया में। तो वातावरण बिल्कुल अनुकूल है आईएसआईएस के लिए, इसीलिए लीबिया से काफी सारे आतंकवादी ट्यूनिशिया में आते हैं हमले करने के लिए, और जो कि काफी ज्यादा चिंताजनक बात है। और ऐसा क्यों हुआ लीबिया में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक चीज है क्या, देखो लीबिया में कोशिश की गई नाटो ग्रुप के द्वारा कि बाहर से आक्रमण कर यहाँ पे सत्ता इस्टाब्लिश की जा सके, यानी सत्ता में फेरबदल किया जा सके। पहले गद्दाफी रूल कर रहे थे जो कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके हिसाब से सही नहीं थे और बनती नहीं थी आपस में, खास करके यूएस और गद्दाफी की, इसलिए नाटो ने हमला किया यहाँ पर और गद्दाफी को मार गिराया। जो ट्यूनिशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं था, बाहर से हमला करके किसी शासक को हटाना, इससे तो इंस्टेबिलिटी आती ही आती है, जबकि ट्यूनिशिया में अभी सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है स्प्रिंग रेवोल्यूशन के बाद में। वो इसलिए था क्योंकि वो रेवोल्यूशन पूरी तरह से जनता के द्वारा लाई गई थी, समझ गए। अब लास्ट में एक बात और भी की जाती है इनके साथ कि ट्रेड जो है वो काफी कम है इंडिया का लीबिया के साथ, उस ट्रेड को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। देखो ये कहते हैं कि ट्रेड जो है बिजनेसमैन को एंकरेज करके इंक्रीज किया जा सकता है। समझना होगा दोनों देशों के बिजनेसमैन को कि फायदा काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं अगर एक दूसरे के देशों में इन्वेस्ट करें तो, खास करके फर्टिलाइजर्स के क्षेत्र में। ट्यूनिशिया में जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा फर्टिलाइजर प्रोवाइड करती थी इंडिया को, लेकिन हाल फिलहाल में उसमें काफी कमी आई है, तो फिर से इस तरह के ट्रेड को इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए इंडिया और ट्यूनिशिया के बारे में। तो फिलहाल आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।